नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल, आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज आपको लेकर एक लेटेस्ट न्यू वैकेंसी आई है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, जिसमें टोटल 208 पोस्ट है कंप्यूटर साइंस यानी प्राध्यापक। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में प्राध्यापक के लिए है। किस कहाँ पे? राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में है उसमें प्रोफेसर्स की वैकेंसी आई है। इसके लिए हम लोग देखेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है और कितनी सैलरी आपको मिलेगी। तो चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशंस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए टोटल मिला के जब हम सीट्स की बात करते हैं, इसमें अनारक्षित यानी कि यूआर अनरिजर्व के लिए जो टोटल सीट्स हैं ये 83 सीट्स हैं। उसके बाद जाकर के ईडब्ल्यूएस के लिए जब बात करते हैं 21 सीट है। उसके बाद जाकर के एसटी के लिए आपका 34, एससी के लिए 2 सीट्स है। उसके बाद जब ईबीसी की बात करते हैं तो इसके लिए 38 सीट्स है, और जब बीसी की बात करते हैं तो 24 सीट्स है। उसके बाद जाकर के जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स है, उसके बाद उसके लिए 24 सीट है। उसके बाद जो पिछले वर्ग की महिला है 6 सीट्स है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो गर्ल्स होती है, ठीक है, बिहार में उसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो इसी के लेकर के हैं। देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रीय आरक्षण के बारे में बात किया गया है कि देखिए यहाँ पे जो 35% क्षेत्रीय आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, जिसके तहत टोटल मिला के इतना सीट उसको पर्टिकुलरली प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ और भी। देखिए यहाँ पे और भी जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप उसके बाद देखकर के जो डिसेबिलिटीज है उसके लिए यहाँ पे पोस्ट बताया गया कि टोटल मिला के कितना पोस्ट है, 2 2 2 2 इतना पोस्ट है। अब देखिए हम लोग शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं, तो शैक्षणिक योग्यता की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम देख जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता में इसमें ये बताया गया है कि जो बीटेक किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग से, चाहे बीटेक हो, बीई हो, बीएससी हो, ठीक है, और उसके साथ यानी कि बीटेक के साथ या बीई के साथ आपको एमटेक कंपलसरी है। ठीक है, एमटेक या एमएस, एमएस जो होता है, जो एमटेक मतलब क्या कहते हैं, एमटेक होता है इंडिया से, और एमएस की जब बात करते हैं तो वो अदर कंट्री से यानी फॉरेन से होता है। ठीक है, वो जो होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, प्रथम श्रेणी, ठीक है, प्रथम श्रेणी से एमटेक होना चाहिए या उससे जो समकक्ष डिग्री है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि देखिए बीएससी बीएमटेक इंटीग्रेटेड भी हो चलेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड कहने का ये अर्थ हुआ जैसे कि क्या होता है ना कि शुरुआत से ही बीटेक किया, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद फिर जा करके एमटेक के लिए आप इंट्रेंस दीजिए या जो भी है प्रोसीजर उसके थ्रू आप एमटेक करते हैं। एक क्या होता है ना कि पहले ही, ठीक है, जैसे कि आपको किसी को बीटेक करने में मतलब जिस समय आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं उसी समय एक इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड बीटेक और एमटेक होता है। ठीक है, मतलब उसी समय आपको ये डिसाइड करना होता है कि हमें बीटेक के साथ एमटेक भी करना होता है, दैट इज द इंटीग्रेटेड भी है एमटेक। ठीक है, तो कहता है वही एमटेक इंटीग्रेटेड भी चलेगा, लेकिन एक चीज यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिस्टेंस मोड से या ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं जो कि बीटेक या एमई एमटेक के इक्विवेलेंट है वो मान्य नहीं होगा, वो एलिजिबल नहीं है यदि कोई डिस्टेंस से या ओपन यूनिवर्सिटी से किए हो तो। अब चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ और भी बातें बताया गया है कि जैसा कि यहाँ पे कहता है एएमआई, ठीक है, ये भी डिस्टेंस ही कोर्स होता था, कब तक का यानी कि 31/5/2013 तक का यदि कोई किया हो, ठीक है, तो उसे मान्यता प्राप्त है यानी कि 31/5, ठीक है, ये जो डेट है 31/5/2013 से पहले यदि कोई एएमआई से एमटेक किए हुए हो, ठीक है, तो उसका डिग्री वैलिड है, वो इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यदि 31/5/2013 के बाद यदि कोई डिग्री किए हो एमआई से, ठीक है, एएमआई से, तो वो वैलिड नहीं होंगे। अब चलिए चलते हैं, हम लोग जब सैलरी की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए अगर इसका कोई क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो वेतनमान है 57,700 से स्टार्ट है, ठीक है, और इसका जो लेवल होगा, वेतन स्तर होगा, वो लेवल 10 इसमें काउंट किया जाएगा, लेवल 10 पे 10 के अकॉर्डिंग इसको सैलरी मिलेगी। अब देखिए यहाँ पे आप और भी एक चीज़ बताया गया, देखिए ये तो एएमई के लिए है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, या बहुत सारे ऐसे कॉलेजेज हैं
पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं ना, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वही कहता है कि यदि कोई बीटेक के बाद पीएचडी की डिग्री प्रोवाइड मतलब एक्सेप्ट किए हो, मतलब उसे प्राप्त है, ठीक है, तो वो भी वैलिड है, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि वो जो डिग्री होना चाहिए AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड किए गए। लेकिन यहाँ पे एक और है कि यदि वो एमटेक नहीं किए हो, डायरेक्ट बीटेक के बाद पीएचडी किए हो, तो उसको एमटेक में जो वेटेज देना चाहिए था, ठीक है, वहाँ एमटेक के लिए 0 अंक प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं आगे, डिस्कशंस करते हैं क्या क्या है आगे की। अब देखिए यहाँ पे जो एज का क्रिटेरिया, ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं एज क्रिटेरिया से पहले यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कब तक आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 28/9/2022, उससे पहले तक आपके पास डिग्री उपलब्ध होना चाहिए। अदरवाइज उसके बाद यदि आपको मिलता है तो आपकी, अगर आप सक्सेस कर जाते हैं, आप एग्जाम पास कर देते हैं, फिर भी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब चलिए देखिए, देखते हैं क्या क्या है शैक्षणिक। अब यहाँ पे कहता है कि कुछ भी ऐसे होना चाहिए जो मतलब इंग्लिश हिंदी में दोनों नोटिफिकेशन है, तो उस स्थिति में क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, उसमें क्या होगा, इंग्लिश को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। और जब उम्र सीमा की बात करते हैं, एज की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे 1/8/2022 से, ठीक है, काउंटिंग की जाएगी। और न्यूनतम जो एज होना चाहिए 1/8/2022 के अनुसार 22 ईयर्स होना चाहिए, और अधिकतम उम्र सीमा की कोई वैलिडिटी नहीं है, यानी कि 60 ईयर्स का है, 65 ईयर्स है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। हाँ, ये जरूर है जो सेवानिवृत्त है उसके लिए आयु सीमा निर्धारित है, 65 ईयर्स से अधिकतम नहीं होना चाहिए। अब चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम वेटेज की, ठीक है, चयन का आधार क्या होगा, तो उसके लिए यहाँ पे किस तरह से सेलेक्ट किए जाएंगे उसके लिए है। यहाँ पे देखिए उसको वेटेज प्रोवाइड किस तरह से किए जाएंगे, यहाँ पे ये यह बताया जा रहा है कि यदि एकेडमिक रिसर्च, ठीक है, एकेडमिक रिकॉर्ड हो या रिसर्च में परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है, उसके लिए मैक्सिमम जो होगा 20 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद कार्य क्षेत्र यानी ज्ञान कौशल शैक्षणिक जो लिखित योग्यता होगा वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है, जिसमें कि क्या क्या चेक किया जाएगा, उसके डोमेन क्षेत्र, ठीक है, जिस फील्ड से है, यानी कि कंप्यूटर साइंस से उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद टीचिंग स्किल्स क्या है, ठीक है, ये सब का एग्जाम होगा, ठीक है, टोटल मिला करके 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में जो होंगे 15 मार्क्स मिलेंगे, और यदि कोई संविदा पे यानी गेस्ट लेक्चर के रूप में काम किया हो या नियोजक सहायक प्राध्यापक के रूप में काम किया हो, तो उसके लिए मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो यानी कि टोटल मिला करके, ठीक है, जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 20 मार्क्स का ये हो गया, 40 मार्क्स का ये हो गया, यहाँ पे 25 मार्क्स है, ठीक है, इतना है। और देखिए आगे देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया है तो क्या है, देखिए यहाँ पे और भी वेटेज हैं कि यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, गेट अगर किए हो, ठीक है, तो देखिए एमएस हो एमटेक हो उसके लिए 10 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद जाकर के फिर जाकर के यदि अच्छा परसेंटेज है बी बीटेक में तो उसके लिए, उसके बाद अगर किए हैं पीएचडी किए हो डायरेक्ट तो 5 मार्क्स इधर पीएचडी के लिए 5 मार्क्स, यानी कि एमटेक किया है तो 10 मार्क्स, उसके बाद बीटेक किया हो तो 5 मार्क्स, ठीक है, उसके बाद पीएचडी किए हो तो 5 मार्क्स, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद जाकर के इसका जो पैटर्न होगा एग्जाम का, ठीक है, लिखित जो एग्जाम होगा उसका गेट के अकॉर्डिंग पैटर्न होगा, ठीक है, जैसा गेट का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस होगा। अब देखिए यहाँ पे ये भी है कि जो टेक्यूप है, ठीक है, जो भी बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में उसमें जो टेक्यूप में जो काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी वही है कि आपको 25 मार्क्स के, ये 5 मार्क्स प्रत्येक साल के लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि 25 मार्क्स, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 25 मार्क्स तक आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल। अब देखिए हम कुछ बात कर लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो सारा चीज जो चीज मैंने बताया, ठीक है, कि उसी के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, 23/9/2022 से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से कोड है, सारा चीज़ आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्द हो इस फॉर्म को डाल दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे लास्ट तिथि बताया गया है कि देखिए स्टार्ट हो गया 9/9/2022 से और लास्ट डेट